सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हाल पूछने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। माचिस किसी दूसरे चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद कर देता है। आज का कठोर व कड़वा सत्य, चार रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब पांचवा कंधे पर हो। आज का पंचांग 6 मई 2022 दिन शुक्रवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 12:33 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र सुबह 9:20 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:35 से 11:21 तक रहेगा। अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर सुबह 5:35 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। सूरदास जयंती की शुभकामनाएं। धनुराशि 6 मई 2022 दिन शुक्रवार, आप अपने जीवन में आ रही बाधाओं और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आध्यात्मिक उत्तरों की खोज कर रहे हैं। बुजुर्गों की सलाह सुने और बुरी आदतों से दूर रहें। इसके बजाय अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए कुछ समय निकालें ताकि आप फिर से कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हों। संदर्भ और आनंद आज आपको आकर्षित कर सकती हैं। आप अपनी ताकत और अवसरों के बारे में जान चुके हैं। अब आप जो भी चाहेंगे आपको मिलेगा। आप सही स्थान पर है जहां दूसरों की बातों को सुनकर स्वयं को खोज सकते हैं। सपने देखें और उन्हें पूरा करें। अपनी मंजिल खुद तय करें और इस दुनिया से मत डरें। कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा, जिसे पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत मिलेगी। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण तथा सोच सबको घर तथा व्यवसाय में सामंजस्य बनाकर रखने में मदद करेगा। किसी एक ही बात पर पूरी तरह से ध्यान देने की वजह से आप उससे संबंधित जीवन के पहलू में बदलाव देख पाएंगे। परिस्थिति में आ रहे उतार चढ़ाव की वजह से आप मायूस रह सकते हैं, लेकिन अपने अंदर की प्रेरणा को बनाए रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। काम की जगह चल रहे षष्ठ यंत्र की वजह से आपको प्राप्त हुए पद छीन लिया जा सकता है। पार्टनर द्वारा बोली गई बातों पर विश्वास रखें। हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से इम्यूनिटी पर असर नजर आएगा। सावधानियां, परिस्थितियों को मजबूत करने के लिए किसी अनुचित गतिविधि का सहारा ना लें, बल्कि उचित समय का धैर्य से इंतजार करें। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें, वरना अकारण ही लोगों के बीच आपकी छवि खराब हो सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। आज के दिन धन व्यय के लिए नुकसानदायक है, इसीलिए सोच समझ कर खर्च करें। रोमांस से भरपूर इस दौर का मचल लेने के लिए सबसे पहले अपने साथी की इच्छा जानना जरूरी है। प्यार में मिले धोखे को भूल जाएं और याद रखें कि रात के बाद ही सवेरा होता है। यह समय मनोरंजन आनंद और रोमांस से भरपूर है। अपने प्रियजनों के साथ इस दिन को मनाने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। बात करते हैं करियर की। आज आप खुद को अध्यात्म की ओर आकर्षित महसूस करेंगी, इसलिए आपको दान और नॉन प्रॉफिट काम करने में भी आपकी रुचि हो सकती है। सफलता का स्वाद लेने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें और अपनी सोच में परिवर्तन लाएं। धन के नुकसान से बचने के लिए सोच समझ कर व्यय करें। इस समय सुंदर और सुख देने वाली चीजें आपको सबसे अधिक आकर्षित करेगी। पार्टी करने की आपकी इच्छा आज पूरी होगी। आज जानते हैं कि आपके पास क्या है और क्या कमी है। आपका कौशल और दूसरों का ज्ञान आपकी स्थिति को बेहतरीन बना सकते हैं। विचार करें, लेकिन कार्य के समय बिना सोचे समझे मेहनत करने में लग जाएं। बिजनेस में एक्स्ट्रा काम की वजह से थकान रहेगी, परंतु इसके सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। विस्तार संबंधित योजनाओं पर भी विचार विमर्श होगा। व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए उपकरण और योजनाओं की भी जरूरत है। बात करते हैं सेहत की।
हल्के फुल्के मौसमी परेशानी जैसे खांसी जुकाम रह सकती है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से इम्यूनिटी पर असर नजर आएगा। आज का उपाय, आज अब माता लक्ष्मी जी के समक्ष दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।